नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं पड़ताल। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये उन 56 चीनी सैनिकों की लिस्ट है जो इंडियन आर्मी के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए हैं। एक ट्वीट है, 18 जून को ये ट्वीट हुआ था, अकाउंट था न्यूज लाइफ IFE। इन्होंने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरीके का दावा किया है। ललन टॉप ने वायरल दावे की विस्तार से पड़ताल की। हमारी पड़ताल में ये दावा गलत निकला। ऐसी कोई भी लिस्ट आधिकारिक तौर पर अब तक जारी नहीं की गई है। ये वीडियो पब्लिश होने तक ऐसी कोई भी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की गई है। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें 19 जून 2020 की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिलिट्री ने 10 भारतीय सैनिकों को रिहा किया है। इनमें 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 जवान शामिल थे। इन सैनिकों को 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद हिरासत में लिया गया था। 15 जून को हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इंडियन आर्मी ने बयान जारी कर इसकी आधिकारिक पुष्टि की थी। हमने वायरल हो रही लिस्ट में दिए गए नामों में से कुछ चुनिंदा को चेक करना शुरू किया। जैसे पहले नंबर पर नाम है जैंग जोंगजोंग। सर्च करने पर हमें पता चलता है कि वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्होंने रेड आर्मी में भी काम किया था। 1998 में उनकी मौत हो चुकी है। लिस्ट में 10वां नाम है चेन जाइडाओ का। ये भी चीन की सेना में ऊंचे औहदे पर काम कर चुके हैं। 1954 से 1967 तक वुहान के कमांडर थे। 1993 में इनकी मौत हो गई है। और सर्च करने पर हमें विकिपीडिया पेज मिला और इस पेज का नाम है लिस्ट ऑफ जनरल्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सीनियर जनरल्स शेंग जियांग 1955। सब हेड के नीचे हमें शुरू के 31 नाम जस के तस मिले। 19 नाम जनरल्स 8 जून 1994 सब हेड के नीचे दर्ज थे। अंतिम के 6 नाम सब हेड जनरल 7 जून 1993 के नीचे मिले। हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि ये सारे लोग आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और इनमें से अधिकतर की मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा कि भारत और चीन की आर्मी के बीच हुई झड़प में मारे गए 56 चीनी सैनिकों का कथित तौर पर जो वायरल लिस्ट है वो फर्जी है। किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना ही किसी ने इसका आधिकारिक कोई दावा किया है। ये जितने भी नाम थे वो चीन के रिटायर्ड जनरलों के नाम थे जिनका नाम विकिपीडिया से ज्यों का त्यों उठा के छाप दिया गया है। इनका गलवान घाटी में हुए हालिया झड़प से, हालिया हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। आपका फेवरेट सेगमेंट पड़ताल अब सोशल मीडिया पर भी है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी फेक न्यूज मिलती है, ट्विटर पर मिलती है, तो आप हमें ट्विटर पर मेंशन कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है पड़ताल_LT। और इसी तरह फेसबुक पर भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस वायरल दावे की सच्चाई आप तक पहुंचाएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।